Hello friends, I am Vaibhav. Welcome to Horizon Academy. Today's video is about quality of design. In previous video, I have tell you the difference between inspection and quality control with examples. If you haven't seen that video, please go to the playlist of metrology and quality control, or I will give link in your I button. Okay. This video contains in two languages. One is in Hindi and another one is in English. So let's start the video first in Hindi. बेसिकली क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन मतलब क्या है कि क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन वो देख लेते हैं। इस कसर से उसका ये वीडियो का फ्लो है आपका। तो डेफिनेशन क्या है क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन की? द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन ऑफ ए प्रोडक्ट इज कंसर्न्ड विद द टाइटनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन। टाइटनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन ये जो वर्ड है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी टाइटनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, कंसिडर करिए आपके पास दो पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है आपका, तो पार्ट ए के ऊपर मैंने टॉलरेंस कुछ इस तरह से दिया है प्लस माइनस 0.001, और दूसरा पार्ट जो बी है उसका मैंने टॉलरेंस दिया है प्लस माइनस 0.01। मतलब सिंपल है कि ये जो टॉलरेंस है ये क्या है आपका, टाइटर है, 1 माइक्रोन का टॉलरेंस है, और ये कितना है 10 माइक्रोन का टॉलरेंस है। ठीक है, ये टाइटर है इससे। ठीक, आफ्टर दैट अ गुड क्वालिटी ऑफ डिजाइन मस्ट इंश्योर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर इट्स स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ रेटेड आउटपुट इफिशियंसी ओवरलोड कैपेसिटी कंटिन्यूड और इंटरमीडिएट ऑपरेशन फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन और सर्विस। वो क्या कह रहे हैं, गुड क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन मतलब क्या कि उसने क्या करना चाहिए कि उसके जो स्पैन है उसका कंसिडर करें। आपने बाइक लिया, टू व्हीलर है, तो क्या करते हो आपके मन में रहता है कि ये बाइक मेरी 15 साल चलनी चाहिए, उसने 5 साल तक कुछ भी मेजर मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहता है। तो इसलिए क्या है कि परफॉर्मेंस ओवर इट्स स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, जैसे गाड़ी का आपके एवरेज है, उसके बाद इफिशियंसी ओवरलोड कैपेसिटी, जैसे आपको पता है कि बाइक पे दो पर्सन्स बैठ सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि अपने यहाँ पे 3 भी बैठते हैं, 4 भी बैठते हैं। तो जो डिज़ाइनर है उसने वो कंसिडर करके चलना चाहिए कि उसकी ओवरलोड कैपेसिटी कितनी हो सकती है, वो भी उसने कंसिडर करना चाहिए। कंटिन्यूड और इंटरमिनेंट ऑपरेशन की, अगर कोई फ़ैन है वो कितने घंटे चलना चाहिए, या कोई बल्ब है वो कितना आवर्स चलना चाहिए, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ता है क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन में। उसके बाद आता है कंसिडर द ऑल पॉसिबल मोड्स ऑफ फेल्यूर। जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके किस तरह से फेल्यूर हो सकता है वो भी आपको करना है। पॉसिबल मोड्स ऑफ फेल्यूर उसमें क्या क्या आता है, स्ट्रेस, वियर, डिस्टॉर्शन, करोजन, शॉक, वाइब्रेशन, हाई लो टेम्परेचर, अल्टीट्यूड और प्रेशर और इन्वायरमेंटल कंडीशन। हाउ योर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। आप जैसे देख सकते हो कि अगर कोई कार है, कार का जो फर्स्ट मॉडल रहेगा, फिर उसके बाद क्या होता है, 3-4 महीने के बाद उसका एक सेकंड मॉडल आता है, उसमें क्या होता है थोड़ा सा अपडेट होता है कुछ। तो जैसे पहले कार में क्या होता है, खाली आपका जो फ्रंट डैशबोर्ड रहता है वहीं पे एसी रहता था, लेकिन अभी जो कार्स आ रही है उसमें क्या है कि जो पीछे वाले लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने एक एसी का डक्ट दिया है वहाँ पे। ये किससे कंपनी को पता चला, उन्होंने जो मार्केट सर्वे किया या फीडबैक किया अपने प्रोडक्ट के बारे में, वहाँ से उनको पता चला कि जो सामने वाला एसी है वो पीछे वाले बंदे तक आता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है कि इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अभी फैक्टर्स कंट्रोलिंग क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो क्या कर रहे हैं आपके क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन को कंट्रोल कर रहे हैं। फर्स्ट है टाइप ऑफ कस्टमर इन द मार्केट। आपका जो मार्केट रहता है उसमें बहुत सारे टाइप के कस्टमर्स रहेंगे, उसके हिसाब से ये होता है। फॉर कस्टमर गुड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न्स द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन इज द टाइप ऑफ कस्टमर इन द मार्केट। द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन इन्वॉल्व्स मार्केट सर्वे इन द मार्केट सर्वे। इट इज़ स्टडी ऑफ कंज्यूमिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। After that, the prices they are willing to pay for various products and services. The choice of design of the product which meet the needs of the customer. ये ऐसे है। अभी जैसे आपको पता ही भी है मार्केट में क्या है कि आपके पास छोटे सेगमेंट वाले कार भी है, जैसे अल्टो है, फिर टियागो है, उसके बाद आप थोड़े टोयोटो की इटियोस है, डिज़ायर है, मतलब अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग आपके पास कार रहेगी। तो कंपनी क्या करती है उसके हिसाब से क्या करती है, वो प्रोडक्ट क्या करती है उसको डिज़ाइन करती है। द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन दस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कस्टमर्स, रिच, मिडल क्लास, पुअर क्लास, उसके हिसाब से वो क्या होता है ऑपरेट होता है। उसके बाद है प्रॉफिट कंसिडरेशन, कि कोई भी कंपनी है
अगर कैसा है कि टाइटनेस ऑफ टॉलरेंस आप तो पता है कि जितना आप टॉलरेंस टाइटर करोगे उतना आपका आपका क्या होता है कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ता है। और प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ने से आप अगर आपके जो आपका कस्टमर बेस है वो अगर समझो आपको ज़्यादा कीमत वाला प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकता है तो कंपनी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके भी कुछ बात नहीं है। फॉर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉफिट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कंपनी शुड मैन्युफैक्चर 100% क्वालिटी प्रोडक्ट, द मार्केट सेगमेंट टू विच मैनेजमेंट डिजायर टू केटर शुड बी कंसिडर। आपको कौन सा क्लास आपको केटर करना है, मतलब कौन से क्लास को आपको सर्विस देनी है वो भी मैनेजमेंट ने कंसिडर करना चाहिए। प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट ग्रेड्स टू सूट द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर। अलग अलग टाइप के ग्रेड में क्या करो आप जॉब मैन्युफैक्चर करो और अलग अलग आपके कस्टमर बेस को उसको प्रोवाइड करो। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अभी इन्वायरमेंटल कंडीशन का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कंसिडर करिए कि एक जगह पे क्या है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, तो आपका जो कार का रेडिएटर है वो भी उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर आप कार बना रहे हो इंडिया में इंडिया के हिसाब से और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है अफ्रीका वगैरह उसके हिसाब से, तो आपको जो अफ्रीका की जो कार का मॉडल है डिज़ाइन है उसको रेडिएटर डिज़ाइन करते टाइम आपको वो सोचना पड़ेगा कि पूरे पैरामीटर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। उसके बाद है, उसके बाद लोडिंग कंडीशंस भी होती है। अगर आप कोई बस मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वहाँ के रोड्स कैसे हैं, उसके ऊपर कितने 40 की कैपेसिटी है, तो कुछ लोग उस पर ज़्यादा भी लोग बिठा देते हैं, तो वो भी आपको कंसिडर करना है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस आपकी वहाँ की कैसी है। स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जनरली ग्रेटर द रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेंथ, फटीग रेजिस्टेंस, लाइफ, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम शुड बी द टॉलरेंस टू क्लोजर टू बी क्लोजर शुड बी द टॉलरेंस टू गिव हाई क्वालिटी गुड्स। हायर क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन मीन्स हायर कॉस्ट। अगर आपको रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा है, मतलब स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट, उसके बाद फटीग रेजिस्टेंस, लाइफ, इंटरचेंजेबिलिटी, ये जो अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको टॉलरेंस क्या करना पड़ता है, क्लोजर ही करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप टॉलरेंस क्लोजर करोगे तो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता है। ये ऐसा टोटल ये वीडियो था। नाउ लेट्स मूव, यू वांट टू मेंटेन द क्लोजर टॉलरेंस, देन अल्टीमेटली योर प्रोडक्ट प्राइस गोइंग टू इंक्रीज, बट बाय यूजिंग सम टेक्निक्स यू ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन यू कैन अटेन द मीन पोजिशन ऑफ योर क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन एंड योर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।